देश भर में कोरोना की रफ्तार घटी, 24 घंटे में 1,32,364 नए बीमार आए सामने। देश में पिछले 24 घंटे में 2,713 लोगों की गई जान, सबसे ज्यादा मामले दक्षिण के राज्यों में। पिछले 24 घंटे में 2,07,071 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, दिल्ली मुंबई में सुधरे हालात। देश भर में कोरोना से अब तक कुल 3,40,702 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक कुल 22,41,00,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। यूपी में 24 घंटे में 1,175 नए कोरोना केस, 24 घंटे में किए गए 3,19,000 से ज्यादा टेस्ट। इम्फाल में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने वाले 200 लोगों का कराया गया कोविड टेस्ट, 16 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली हरियाणा में वैक्सीन नहीं मिलने पर टीकाकरण के लिए मेरठ आ रहे हैं 18 साल से 44 साल की उम्र के लोग, आधार यूपी का नहीं होने की वजह से मना किए जाने पर कर रहे हैं हंगामा। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने एक दुकानदार को किया गिरफ्तार, नाइट कोरोना कर्फ्यू तोड़कर दुकान खोलने का आरोप। कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर शिवसेना का वार, सामना में लिखा पीएम ने कहा था 21 दिन में जंग जीतेंगे, 1.5 साल हो गया। आगर मालवा में नहीं थम रही है लापरवाही, कोरोना के खतरे के बीच सब्जी मंडी में बगैर मास्क दिखाई दिए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग में भी कोताही। आगर मालवा में प्रशासन की मुहिम, मुनादी का टीका लगाने की अपील। लखीमपुर खीरी में जनाजे में उमड़ी सैकड़ों की भीड़, डीएम ने दिए कार्रवाई के आदेश। विदिशा में राज्य सरकार के खिलाफ आशा और ऊषा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हॉस्पिटल परिसर में किया हवन। भरतपुर में गौवंश की तस्करी का खुलासा, पुलिस से डरकर भागते दो तस्कर गिरफ्तार। बोकारो में यूरेनियम खरीदने बेचने का मामला सामने आया, 6 किलो यूरेनियम के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में सेक्स रैकेट का खुलासा, 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुंबई के ओशिवारा में एक इमारत में लगी आग, पाया गया काबू। यूपी में बड़े पैमाने पर आईएएस अफसरों के तबादले, गाजियाबाद गोरखपुर के डीएम भी बदले गए। सागर धनखड़ हत्याकांड में सुशील पर कसेगा शिकंजा, फरारी के दौरान सुशील कुमार को स्कूटी देने वाली लड़की से भी होगी पूछताछ। अगले 1 से 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल के आसार, नए चेहरों को मिल सकती है जगह। यूपी में संगठन में नहीं होगा बड़ा बदलाव, सूत्रों के हवाले से आई खबर। दिल्ली में आज से शुरू हुई आरएसएस की अहम बैठक, मोहन भागवत की अगुवाई में यूपी को लेकर होगी चर्चा। रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए ब्याज दर में नहीं किया बदलाव, रेपो रेट 4% पर बरकरार।